हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ बालों के बारे में कि हम अपने अपने बालों को खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। आज मैं जो प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है खादी ग्लोबल का 8-in-1 रिनूवल बायो एक्टिव हेयर ऑयल, जो बना है 29 बायोटेनिकल वाइल से, एसेंशियल वाइल से एंड स्ट्रेस से। बेस्ट बात यह है कि ये बिल्कुल 100% नेचुरल है, नो मिनरल वाइल, नो पैराबिन। इसके बाद ये आपके बालों को एकदम तरीके से बेनिफिट देता है और एक बहुत ही अच्छी बात है, ये मेड इन इंडिया है। तो गाइज, मैं सबसे पहले ये बता दे रही हूँ कि ये ऑयल मुझे थोड़ी सी बची है, मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद आपको दिख जाए। मैं सारा यूज कर चुकी हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी बची है, आपको दिखा रही हूँ। ये ऑयल मैं पूरा का पूरा लगा चुकी हूँ। इसे वीक में, पहले इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये इस पे आप देख सकते हो, ₹1245, मतलब ₹1245 इस पे प्राइस है। लेकिन मैं इसे ऑनलाइन अमेजन से मंगवाया था तो ये मुझे पड़ गया था 565 में, ये मुझे पड़ा था। मतलब गाइस, इसके जो ₹1245 प्राइस लिखा है, ये अच्छा खासा अमाउंट है। मतलब इसके क्यों इस पे मेंशनिंग किया गया है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऑनलाइन या फिर आप लोकल मार्केट से भी लोगे तो ये आपको पड़ जाएगा कुछ अराउंड 500 या फिर 550, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं ऑयल। आप कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर लेना। इसका क्वांटिटी है 200 ml, बट इसका ऐसे मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि आपको इस वाइल से, एक वाइल आप यूज करोगे आपको लेकिन 29 वाइल का बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है और ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। 18 बेनिफिट्स जो है ये यहाँ पे मेंशन है, जो भी खास खास मतलब मुझे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। जो भी आपके हेयर डैमेज होते हैं केमिकल की वजह से, उसे रिपेयर करता है पर नेचुरल काम करता है। डैमेज हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्मूथ और सिल्की बनाता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है। टेक्सचर आपके बालों का अच्छा करता है, स्कैल्प को नरिश करता है, जो बाल टूटते हैं उसे उनका नरिश करता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, हेयर फॉल कंट्रोल है, बालों को डीप हाइड्रेशन देता है, बालों को फिजनेस होने से कंट्रोल करता है। अब इसके जो मुझे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स शेयर किया गया है इस पर, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ऑयल में क्या कौन कौन से ऑयल मिले हुए हैं, किस ऑयल से बने हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेंशनिंग इस बोतल पे किया गया है, ये प्लास्टिक की बोतल में आती है, आप लोगों से देख सकते हो। प्योर मेरूला ऑयल गाइस, कुछ कुछ ऑयल जो है मुझे खुद मालूम नहीं है कि किस चीज़ के ऑयल होते हैं, तो आप लोग को अगर सर्च करना होगा तो आप लोग कर लेना। कोल्ड पेरिशिड एक्स्ट्रा वर्गन ऑलिव ऑयल गाइस, इसमें सारे ऑयल के साथ कोल्ड मेंशन किया हुआ है, तो मैं सिर्फ ऑयल का नेम बता देती हूँ। जोजोवा ऑयल, स्विट्स आलमंड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, ब्लैक सीड्स ऑयल, नीम ऑयल, रोजहिप ऑयल, लेवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल, ट्री ट्री ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रोजमेरी, ऐसे बहुत सारे ऑयल हैं। इसमें बताऊँगी सारे ऑयल के नेम, मैं बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसे यूज करना, ये भी इस पर मैंसन किया गया है। ऐसे आप अपने बालों के अनुसार बॉल लीजिए, उसमें जितने आपके बाल की क्वांटिटी है उसके अनुसार आप उसमें ऑयल ले लीजिए। इसके बाद अपने बालों और स्कैल्प पे हल्के फिंगर से इसे मसाज कीजिए। इसमें बोतल पे गाइज मेंशन किया गया है कि आप कम से कम 30 मिनट इसे ज़रूर अपने बालों पे रखें। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ गाइज, कि आप जब भी कोई भी ऑयल यूज करो अपने हेयर पर, तो उसे 3 मिनट ज़रूर आप मसाज करो अपने हल्के फिंगर से। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट उसे ज़रूर छोड़ें, ये बहुत अच्छी बात हो गया, नहीं तो 30 मिनट तो आप ज़रूर रखो गाइज, उसके बाद आप सेम। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।